जी, मैं आज की जो मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग का मकसद ये था कि काफ़ी अरसा के बाद, यानी कि जब से दफ़ा 370 और 35A के ऊपर पाबंदी लगी और उसके बाद में जो है हमारी पहले जो डिमांड थी वो तक बैठते बैठते जब हम जो है वो थोड़ा हो गया लेट, एक साल लेट हो गया, तो कोरोना की वजह से हम जो है डिले हो गए हम, वरना इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है हमारी बहुत जद्दोजहद करके वहाँ तक, मतलब इसने काम किया जिस काम के लिए आज कमेटी बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी। और हमारा मकसद असली यही है, इनकाद कब हुआ था? 2018 कमेटी का इनकाद हुआ था, 2018 मतलब इसमें 5 जनवरी को जिसका इनकाद हुआ और उसके बाद में कमेटी को तशकील दी गई और हमने जद्दोजहद शुरू कर दी इस साधना टनल के लिए। साधना टनल हमारी आज की नहीं बल्कि 1950 से ये डिमांड चली आई। तो ये जो सानिया हुआ जनवरी 2018 में, उसको लेकर के हमारे कर्नाटक की पूरी, मतलब जो है पब्लिक इसके हमारे सामने जो है उन्होंने ये मतालबा रखा कि हमें साधना टनल की ज़रूरत है। हमने कमेटी को तश्कील दिया और कमेटी को तश्कील देने के बाद में हमने काफ़ी जद्दोजहद की 2018-2019 के बीच में, लेकिन बदकिस्मती से ये जो कोरोना का बीच में मसला पड़ गया, बीमारी का, तो इस वजह से हम थोड़ा बैठ के अब फिर हमने ये सोचा कि हमारी जो चिट्ठियाँ हैं या हमारे जो लेटर हैं, हमारी फाइल है, ये तकरीबन हमारी दो फाइलें जो दिल्ली के अंदर भी हैं, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो गडकरी जी हैं उनके पास एक फ़ाइल उनके ऑफिस में है और एक फ़ाइल जो हमारी ये मरकजी मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह जी हैं एक उनके ऑफिस में है। उसके अलावा हमारे गवर्नर साहब के पास में भी, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके पास में भी है। हम इस चीज़ को लेकर के काफ़ी अरसा से मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमारी इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी, इसीलिए हमने ये आज मीटिंग बुलाई थी। और अगला भी हमारा यही सोच विचार है कि हम जो है आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफ़ी जो है जद्दोजहद करेंगे। आज जो हमारी आज की जो मीटिंग थी, इसका मुद्दा जो था वो हमारा सिर्फ एक ही, हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है जिसको लेके हम चल रहे हैं, वो है साधना टनल। उसी हवाले से हमारी मीटिंग थी, तो हमने इलाका के जी शोर लोगों को बुलाया था, वो यहाँ आए थे, उनके साथ हमारी मीटिंग चल रही थी इसी बारे में कि हमारा जो ये साधना का मसला है, 6.5 किलोमीटर की ये जो छोटी सी टनल है, इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। 5 जनवरी 2018 को एक जो बड़ा सानिया पेश आया यहाँ, उस सानिया को देखते हुए हमारे जो जज्बात थे वो जज्बात हम उन पर काबू न करते हुए हम लोगों ने एक कमेटी तश्कील दी, तो जिस कमेटी का नाम रखा हमने साधना टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें इलाका के बहुत सारे जी शहूर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। 5 जनवरी 2018 से आज तक हम इसी मसले को लेके चल रहे हैं। हमारे इस हवाले से हमारी जो एप्लीकेशंस, हमारी दरख्वास्त, हमारे ये जो कागजात हैं वो हर दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की फ़ाइल जो है यहाँ से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हमारी फ़ाइल मौजूद है, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि एक छोटी सी 6.5 किलोमीटर की टनल हमारे लिए मुहैया नहीं हो सकती है, हम क्या उम्मीद रख सकेंगे। बहरहाल हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसी मुद्दे को लेकर। हमारा जो मकसद है, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई सियासी मुद्दा नहीं है, हम ये 70,000 अवाम के लिए एक रास्ता बनवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी साधना टनल जो हमारे लिए एक डेथ ट्रैप है, इसको फाड़ के इसके अंदर से हमारे लिए 6.5 किलोमीटर की एक छोटी सी टनल निकाली जाए। आपको पता होगा इस वक्त जो हमारा नेशनल हाईवे का काम चल रहा है श्रीनगर टू जम्मू, इसमें हज़ारों के तादाद से टनलें निकली, तो हमारे लिए क्या 6.5 किलोमीटर की टनल नहीं है? तो हमारी ये दरख्वास्त होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि हमारे लिए ये छोटी सी टनल जो है इसकी तामीर का जल्द अज जल्द हुक्म जो है वो सादर किया जाए। इसी हवाले से आज की हमारी मीटिंग थी।